बीनू, क्या कल इसी जगह मुकाबला होगा? हाँ श्याम, यही है वो मैदान जहाँ कलरी का सालाना मुकाबला होता है। तो एक सेल्फी हो जाए। मीना। ये रहा आपका भाला अप्पा। तो बीनू जी, कल के मुकाबले की तैयारी हो गई? हाँ हो गई, यानी थोड़ी बहुत। अच्छा है, मगर आज की तरह डर मत जाना कल वहाँ। क्या डर? और मुझे कोई डर वर नहीं लगता। ये मीना भी ना डर, और बीनू को मेरा दोस्त तो शेर है शेर। अभी देख लेते हैं कि हम में से कौन डरपोक है। कुछ तो खास है इस बच्चे में, इसका डर निकालने के लिए कुछ करना होगा। समझ गए या समझाएं? समझाएंगे तो हम तुम्हें, देखते जा। इनके लिए तो मैं ही काफी हूँ। इस धुआंदार एक्शन की वीडियो तो बननी ही चाहिए। ये लो, ठीक से शूट करना। रुके क्यों हो, भेजो अपना साथी। लेखा? क्या वो लेखा है? हेलो, हाय। क्या धुआंदार वीडियो बनी है, उसे प्लीज डिलीट कर दो। तो बिल्ली की मौसियां है। मीना, हाँ? उस लड़के से भले ही हार जाओ मगर डर को जीतने मत देना, याद रहे। शाबाश। आज के लिए इतने बेर काफी हैं। इन फलों को तो देखो कैसे चमक रहे हैं। चलो कुछ फल तोड़ लेते हैं। हाँ क्या हुआ, रुक क्यों गई? याद नहीं, अप्पा ने जादुई चीजों के पास जाने से मना किया है, खासकर किसी भी नई और अनजान चीज के पास। वो बात तो है, मगर जरा देखो तो उन बेरों को, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं हो रही उन्हें करीब से देखने की? जिज्ञासा तो हो रही है, मगर अप्पा की बात। क्या हुआ? यहाँ कितने फिसलन है, खड़ा हो पाना भी मुश्किल है। अप्पा की कहीं बात मानते तो यहाँ नहीं फंसते। हाँ?
गुरुकुल वापस चले। मगर आपका भाला तो कितना सुंदर और मजबूत है, ये आपने खुद बनाया? हाँ बीनू, कई सालों पहले की बात है, पिताजी ने मुझे और वीटा को हमारे हथियार बनाने को कहा और बस हम दोनों निकल पड़े लकड़ी की खोज में। खोज में हम कितनी दूर निकल गए हमें पता भी नहीं चला। बहुत ढूंढने के बाद मेरी नजर एक मजबूत लकड़ी पर पड़ी। उससे मैंने अपना ये भाला बनाया। प्रणाम गुरुदेव। आज गुरुजी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन? हैप्पी बर्थडे गुरुजी। मैं अप्पा का जन्मदिन कैसे भूल गया? तो आज हम सबको कुछ तोहफा मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, तोहफा तुम सब मुझे दोगे। हमें बताइए आपको क्या चाहिए गुरुजी, हमें वो चीज आपको देने में खुशी होगी। अब ये तो तुम सबको सोचना होगा कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलेगी। उम्मीद है तुम सब मुझे निराश नहीं करोगे। अरे क्या करेंगे अभी? गुरु वीटा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अप्पा तो सबसे ज्यादा खुश सिर्फ तब होते हैं जब हम पालन अंकल के किसी स्टूडेंट को हराते हैं, और खासकर उस बीनू को। और बीनू के साथ मुकाबला कौन करेगा? राका। राका ही बीनू को हरा सकता है, राका जैसा कोई नहीं। अप्पा के लिए इससे अच्छा तोहफा हो ही नहीं सकता। राका, राका, राका। लेकिन अगर राका बीनू से हार गया तो गुरु वीटा के जन्मदिन का जश्न शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हम बीनू से बात करके उसे मना सकते हैं कि वो राका से हारने का नाटक करे। क्या बकवास है ये, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, बीनू को हराना मेरे बाएं हाथ का खेल है। हमें पता है कि तुम कलरी में लाजवाब हो, लेकिन अगर बीनू ने अपना हमेशा वाला पैतरा इस्तेमाल किया तो तुम्हारी खड़े खड़े बैंड बज जाएगी। अरे छोड़ो ये सब ड्रामा, मैं गुरुजी को अपनी कलाबाजी दिखा कर ही खुश कर दूंगा। ये तो कमाल का आइडिया है, गुरुजी तो एकदम इम्प्रेस हो जाएंगे। तुम्हारी कलाबाजी से गुरुजी सिर्फ निराश ही होंगे, उन्हें खुश करना है तो बीनू के साथ मुकाबला करना जरूरी है, और हम एक असली मुकाबले का रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए बीनू से बात। अरे आओ मनी, हम ही बीनू से बात करते हैं। जो लेखा कहेगी मनी वही करेगा। चलो। तो